मैं रविंद्र कुमार फ्रॉम ए क्लीन क्लब मशीनरी से। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि टू पोस्ट लिफ्ट को किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो ये जो मैं इंस्टॉल करने के लिए गया था वो गया था, फ्लोर क्लीयरेंस वाली लिफ्ट है, अप्रॉक्स 12-12.5 फिट की उसकी हाइट होती है। तो उसी के लिए पहले लड़का गया था, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो उसी को फिर मैं बनाने उसकी वीडियोज़ किस तरीके से करनी होती है इंस्टॉलेशन, क्या क्या चीज़ कहाँ पर कैसे अटैच करना है, तो उसी चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से खड़ी होती हैं, क्या चीज़ करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम एनओवी रिवरवली के ऑथराइज डीलर हैं। सीजर लिफ्ट, डिटेलिंग लिफ्ट, सिंगल सिलेंडर लिफ्ट, कंप्रेसर, केमिकल्स, माइक्रोफाइबर, हमारी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। तो कॉन्टैक्ट कीजिए, डिस्प्ले मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं दोनों के दोनों, नंबर बता भी देता हूँ 9999227913। दूसरा नंबर है मेरा 9625421628। ओके, थैंक यू। और आइए मैं आपको उसकी वीडियो दिखाता हूँ जो हम करके आए। सर, मैं रविंद्र कुमार फॉर्म ए क्लीन क्लब मशीनरी से। आप मेरे कपड़े देख रहे होंगे, अभी हम आए हैं एक यानी इंस्टॉलेशन के लिए स्कोडा में, अपना टू पोस्ट लिफ्ट इंस्टॉलेशन करने आए हैं। 12 फिट की फ्लोर क्लियरेंस वाली वो है लिफ्ट। तो आइए मैं आपको उसको दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम एनओवी रिवरवरी और अपनी टैकोमैक का जो हम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सीजर लिफ्ट, डिटेलिंग लिफ्ट, केमिकल्स, ये हमारी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। चाइना से भी वॉशमेड, माइक्रोफाइबर से इंपोर्ट करते हैं। तो आइए मैं आपको अभी दिखाता हूँ अपनी टू पोस्ट लिफ्ट जिसे हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये हमने इंस्टॉल कर दी है, ठीक है जी, जिसकी इंस्टॉलेशन चल रही है अभी। तो इसको कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। वायर है, ठीक है, जिसे हमने आगे वाली साइड में लगाया है। इस आगे वाली साइड से यहाँ से ये रो वायर नीचे की तरफ ऐसे कर आएगा, और इस वाले व्हील से पीछे की तरफ होके ये रहा, पीछे की तरफ होते ऊपर वाली साइड में एक वायर एक साइड में रहेगा। मतलब ये लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट साइड में रहेगा, राइट साइड का तो राइट साइड में रहेगा। वहाँ से ऊपर से होके आ गया प्लेट में से, और ये यहाँ पर आकर इसमें यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस वाले में आके अभी अटैच करेंगे हम, तो यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। फिर दूसरा वायर उस साइड से वो हो गया था, ऐसे ही यहाँ से फ्रंट से ये वाला लगेगा, नीचे से होके अंदर वाले व्हील से होके पीछे से ये घूमकर यहाँ पर होकर हटिए, ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, 12 फिट वाली में सर ये नट होते हैं जो हमें एक्सटेंशन करने के लिए निकालने होते हैं। ठीक है, जो बीच में आपने देख रखे हैं हमने किए हैं। ओके सर, 8 नट होते हैं, 4 इधर, 2 इधर और 2 उस साइड, दिखा देता हूँ, 6 और 2 8। ठीक है, ऐसे ये 8 नट उस साइड, 8 नट दूसरे पिलर पर, ये अंदर की तरफ से होती है, उसे पीछे की तरफ खींचना पड़ता है ऊपर करके। और देखो वो प्लेट्स को हमने कैसे जॉइंट किया है, ठीक है, पलट कर वहाँ पर जो रोल्स हैं पाइप के लिए वो वहाँ अंदर से जाएंगे, जैसे ये गोले हैं इस तरीके का पाइप का गोला लगा हुआ है उसमें, वो वहाँ से उस तरह से पाइप आएगी ऐसे करके घूम कर। तो ये है सर अपनी टू पोस्ट इंस्टॉलेशन का। अब इसमें बीम्स लगेंगे, ये अपने आर्म्स, वो सब चीज़ें, ठीक है। ये सिंगल फेज की है, बटन दबा के अप जाती है, और लीवर दबा के, इसे लीवर दबाएंगे तो डाउन आएगी। ठीक है, वो लॉक लग गए हैं इसलिए डाउन नहीं आ रही है। अब आपको दिखाते हैं, चलो चढ़ाओ। ये देखो ये जा रही है ऊपर, डाउन करो, लॉक खोल के, लॉक खोलो इनके, पहले लॉक खोलो, ये लॉक खुलते हैं, ये खींचो, ये लॉक होते हैं, खींचो, हाँ। अब दूसरी तरफ का भी लॉक खोलो ऐसे ही, ये दोनों तरफ लॉक होते हैं, ठीक है, अप डाउन जाएगी। लोड नहीं है ना, डाउन अप डाउन कर रहे हैं, ठीक है, लीवर दबाकर। अब इनके हमें आर्म्स लगाने हैं। ओके, तो दोबारा देख लीजिए सर, जो रुक जाए एक मिनट, ये सर हमने जो यहाँ पे ऊपर की तरफ लगाया वो यहाँ से बाहर होके और अंदर की तरफ होके जा रहा है, अंदर की तरफ होके, यहाँ पे कहीं टच नहीं है, सीधा होके गोल से घूम से व्हील से घूम के, ठीक है, उधर वाले व्हील से, और इस साइड आके यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, ये अटैच हो रहा है ऐसे, ये वाला इधर से नीचे से होके उधर से घूम के इस साइड में बंद हो रहा है। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं, ये लॉकिंग सिस्टम है, लॉक खींचे करना होता है दोनों तरफ से। ओके,
तो किसी को भी कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो कांटेक्ट कीजिए, नंबर डिस्प्ले हो रहा है, बता भी देता हूँ, 9999227913। दूसरा नंबर है मेरा 9625421628। थैंक यू सो मच। वहाँ पे एक नई इंस्टॉलेशन चल रही थी तो यहाँ पे हम पुरानी को देखने के लिए आ गए हैं। तीन लिफ्टें लगी हैं, ठीक है, अलाइनमेंट, बैलेंसर, टायर चेंजर हैं लिफ्टों को। और कर इसे करके देखो, आप इस पर खड़े हो गए हैं, कोई वाइब्रेशन नहीं है। दूसरी को भी चल डाउन कर, लॉक खोल के, लॉक खोल, लॉक ऊपर चढ़ा, ऊपर उठा, लॉक खोल, ऊपर उठा फिर, पहले बस लॉक खोल। अब चलो डाउन करो, कोई वाइब्रेशन नहीं है सर इसमें भी, अगर है तो वैसे तो लग नहीं रही, ऑयलिंग और सब चीज़ों का हो सकता है। ये सर अलाइनमेंट हमारा लगा हुआ है, ये टायर चेंजर, ये बैलेंसर,